गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस जैस्मिन अगेन द ब्रांड न्यू वीडियो। एंड अभी बजे हैं सुबह के कितने पता नहीं मुझे, जल्दी उठ रहे हैं अभी हम, थोड़ा सा आदत को सुधार लें। एंड वो आवाज़ मेरी सिंक की आ रही है, तो अभी मैं आलू के पराठे बना रही हूँ नाश्ते में। एंड उसके बाद हम अभी शायद मुस्तफ़ा जाएंगे, शायद नहीं जाना ही है आज, कल जाने वाले थे वो तो कैंसिल कर दिए हम। एंड बाहर ही खाना खा के आ गए, जैसे कि हम माला खा रहे हैं। अगर आप सिंगापुर में हो तो एंड वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो माला खा सकते हो। बस उस दुकान वालों से ये कन्फर्म कीजिएगा कि उसमें ऑयल कौन सा डल रहा है। वेजिटेबल ऑयल है तो आप खा सकते हो, अगर उसमें पोक लार्ड या फिर पोक का फैट वगैरह डल रहा है तो आप नहीं खा सकते हो, वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है ना। तो बस वो कंफर्म कर लीजिएगा। एंड जहाँ भी माला मिलेगा ना, आपको ऐसे वेजेस चूज़ करनी पड़ती हैं एंड नूडल्स चूज़ करने हैं, एंड उनको ड्राई माला स्पाइस लेवल बोलना है, एंड आप खा सकते हो। बहुत अच्छा होता है, इंडियन स्पेशली हमारे लिए बहुत टेस्टी होता है। तो ये हमने खाया कल, एंड अभी हम फटाफट से हैवी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ पराठा, क्योंकि भूख लग जाती है बीच में, फिर मुझे बाहर कुछ भी खाना नहीं है, जितना हो सकता हो तो अवॉइड करना है मुझे। तो जाएंगे मुस्तफ़ा साथ लेके चलती हूँ, सामान खरीदेंगे और वापस आएंगे। ग्रॉसरी फॉर द मंथ, जो कि मेरा सबसे फेवरेट काम है, मुझे बहुत पसंद है ग्रॉसरी खरीदना। सो अभी यहाँ पे देखिए हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई, तो इसलिए ये लाल वाली पहाड़ी चिली होती है वो चिली, धनिया प्याज काट लिया है, और यहाँ पे थोड़ी आलू की सब्जी बची थी उसको भी मैं फिलिंग जैसे यूज़ करूँगी, तो ये अलग पराठे बनेंगे। एंड ये आलू उबाल लिए हैं तो ये कच्चे प्याज वाले पराठे बनाएंगे, तो अभी फटाफट से बना के खाते हैं। सो दोस्तों, आपने देख लिया अभी पराठा वराठा खा के हो चुका है, नाश्ता कर लिया है, तो अभी चलते हैं बाहर। एंड फाइनली मेरे पिंपल फूट गए थे, दो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट बहुत पेनफुल थे इस बार, पता नहीं कैसे इतने पेनफुल थे। एंड मैंने तो कुछ यही मेरा ऑल टाइम फेवरेट टी शर्ट एंड जीन्स शॉर्ट्स पहन लिए बस। तो अभी चलते हैं, सनी का वेट कर रही हूँ, सनी तैयार हो रहे हैं। और अभी पहले जैसे मैं बहुत सारा सामान लाती थी ना मुस्तफ़ा से, ऐसे बहुत सारा सामान पागलों के जैसे नहीं उठा के लाती हूँ मैं, अभी क्या करती हूँ मालूम, सिर्फ पैकेट वाला, जैसे कि दाल हुई, पोहा, आटा, चावल, बस ऐसी पैकेट पैकेट की लाती हूँ। एंड सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ना सिर्फ वो वाली लाती हूँ जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, जो इंडियन सब्जी होती है ना, जैसे मेथी हुई, इंडियन पालक हुई, एंड लाल सब्जी जो होती है इंडिया वाली, वो मैं मुस्तफ़ा से लाती हूँ, बीन्स वगैरह। मगर यहाँ पे मैं फेयर प्राइस से काफ़ी कुछ लेने लगी हूँ आजकल, जैसे कि फ्रूट्स मैं फेयर प्राइस से लाती हूँ, एंड ऑल्सो दूध, अंडा, ब्रेड, और ये डेली के मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब फेयर प्राइस में मिल जाता है, तो वो सब मैं फेयर प्राइस से लाती हूँ। ऑयल भी इनफैक्ट मैं फेयर प्राइस से लेने लगी हूँ आजकल, क्योंकि मुस्तफ़ा से ना उतना टैक्सी करके आना, एंड टैक्सी में मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा फीलिंग होने लगती है, तो उस वजह से मैंने छोड़ ही दिया है। और यहाँ से फ्रेश फ्रेश डेली भी आ जाएगा सामान, तो ऐसा है, तो इसलिए वहाँ से सिर्फ दाल, सीरियल्स वगैरह जो यहाँ नहीं मिलते वो मुस्तफ़ा से लाती हूँ, तो इसलिए मेरे ट्रॉली में ही आ जाता है सामान अभी सारा। इतना क्यों हकला रही हूँ। एंड अभी मैंने सनस्क्रीन लगाया, बस कुछ भी नहीं लगाया है ज़्यादा चेहरे पर, सो वही बस तैयार हो रही हूँ, एंड निकलते हैं मुस्तफ़ा। सो ये रहा अपना बस इंटरचेंज, एंड इसको यहाँ पे बस इंटरचेंज बोलते हैं, जैसे हमारा डिपो होता है ना बस डिपो, तो ऐसे ही इसको बस इंटरचेंज बोलते हैं। एंड काफ़ी सारी बसेस आ रही हैं अभी, एक और कितनी प्यारी लगती है ना, सारी ग्रीन ग्रीन बस, गो ग्रीन। मौसम भी काफ़ी सुहाना है आज, गर्मी थोड़ी कम है, बाय गॉड्स ग्रेस लेट्स गो।
पिता के करीब पहुंच गए हैं। मिस्टर पिता के शॉपिंग कर रहे हैं। मौसम आज बहुत सुहाना है। शायद इतने दिनों से मैं कंप्लेन कर रही थी ना कि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो फाइनली मौसम अच्छा हो चुका है। नवी मुस्तफ़ा के अंदर जाने के लिए फिर से मास्क ऑन, आउटडोर में नो मास्क। सबसे पहले आटा वाटा खरीद लेते हैं। मेरा दूध फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, हर जगह का दूध मिलता है यहाँ पे। हमारा ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है। मुझे यहाँ से बादाम लेने हैं। पहले चल रहे हैं दूध के कार्टन पे। लोग कार्टन से लेके जाते हैं क्योंकि बार बार मुस्तफ़ा नहीं आ सकते ना। लेते हैं आटा। गोल्ड 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 आटा कहाँ है? गोल्ड ये तो गोल्ड नहीं है, गोल्ड देखा ना पराठे के साथ जो दही था, दही में मैंने गुड़ का पाउडर डाला था। तो आजकल चीनी कम करने के लिए गुड़ का पाउडर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा टेस्ट अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा बट हेल्दी होता है, तो इसीलिए कि कुछ कुछ नया नया आटा वगैरह होता है बट मैं ट्राई नहीं करती हूँ। एंड चावल तो काफ़ी है, एंड चावल वैसे भी कम कर दिया है तो सिर्फ बिरयानी राइस लेना है मुझे। तो ये रहा पूरा गिट्स का सेक्शन। एंड गिट्स से मुझे क्या कुछ तो लेना था, मूंग दाल वाला जलेबी के साथ ही। सब आने हेल्दी चीज़ें नहीं खानी है। हेयर फ्रायर लिया ना हमने, हेयर फ्रायर में हेल्दी चीज़ें खानी है। हेयर फ्रायर जब से आया ना सिर्फ हेल्दी दिमाग में घूम रहा है। हेल्दी चीज़ें, हाँ दाल लेनी है मुझे, मिक्स दाल। ये रहा बिकानो और हल्दीराम्स का सेक्शन। यहाँ से एक ग्रीन मटर ले लेते हैं। गुड सेक्शन तो ले लेते हैं। पार्ले जी शॉपिंग तो हो चुकी है, अभी घर जा रहे हैं वापस कि सनी भी काम पे लगना है। एंड आज का वीडियो मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया है क्योंकि आज जल्दी जल्दी से पराठे बना के फिर आधा वीडियो एडिटिंग हो चुका है तो आज वीडियो थोड़ा लेट आएगा। तो अब जाके फटाफट से वीडियो को एडिट करके अपलोड पे डालना है क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी वेट करती रहती है वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो इसीलिए करना पड़ेगा अभी। एंड शाम का क्या डिनर है देखते हैं। ये सारा सामान को जमाना है सबसे पहले, वो सबसे बड़ा काम होता है। लेना इजी होता है, जमाना बहुत मुश्किल होता है। सो कितना $106 का सामान आया है, बाकी तो घर के पास से आ जाएगा। मौसम बहुत सुहाना है, एकदम बीच मौसम है बट बीइंग अ वीक डे हम बीच नहीं जा सकते। देखते हैं, प्लान करते हैं। सब ये MRT के अंदर जा रहे हैं। सो मास्क ऑन। सामान एंड घर आने तक पार्सल आया था जो कि
आया है थाईलैंड से, मैंने कुछ मंगवाया था तो अभी इसको खोलते हैं। तो ये नूडल्स मंगवाए मैंने, ये थाईलैंड में मिलते हैं, ग्रीन करी नूडल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे मिलना बंद हो चुके हैं। पहले सिंगापुर में मिलते थे बट अभी बंद हो गए, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया इनको। काफ़ी अच्छे होते हैं, मामा ये वाला ब्रांड है, देखिए मामा इंस्टेंट नूडल्स ग्रीन करी चिकन वाला, मस्त होता है ये खाने में। तो ये मंगवाया है, ये पार्सल अभी जस्ट आया है, तो अभी सामान निकालना है। ये ना आलस आ रहा है ना बाहर जाके के दिन के टाइम, मतलब खाते ही गया ना विदाउट रेस्ट लिए, तो ऐसा आलस आ जाता है। ये पूरा सामान निकालती हूँ देखिए, एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ ये अरेंज करने के बाद। फर्स्ट के सीरियल्स कितने भर लिए मैंने, ऑलमोस्ट ये अभी जो नए वाले लाए मैंने ये वो हैं, ये मैंने कुछ हनी ओट्स वाले बंचेस लाए हैं, इसके साथ ग्रैनोला भी है इसमें, एंड एक और मैंने लाया ये वाला क्रैनबेरीज आमंड्स, और ये है, और इसके पहले हाँ ये भी वही लाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो इसलिए रिपीट लाया मैंने वो। परसों मैंने ये वाला लाया था क्रेनोला जिसमें बनाना वगैरह है, तो हमारे माइलो के सीरियल्स वो है नॉर्मल वाले, एंड ये एक और है। हेल्दी खाने के चक्कर में ना ये सारा आ रहा है, मतलब चक्कर में क्या बोलूँ, मतलब मुझे भी पसंद आ रहा है आजकल, मतलब एकदम बॉडी लाइट फील करती है, मतलब ऐसा हैवी हैवी नहीं लगता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, जब आप हेल्दी खाते हो ना बॉडी लाइट होती है, सो आई लाइक इट समहाउ। तो अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं, एंड मैंने अभी बीन्स, ये देखिए स्नैकिंग के लिए मैं कुकुम्बर खा रही हूँ शाम के स्नैकिंग के लिए, क्योंकि डीप फ्राई वगैरह कुछ भी बनाने का मन नहीं था, एंड बीन्स लाई हूँ मैं, तो अभी डिनर में यही बनाऊँगी बीन्स। उसके साथ दाल है, उस दाल को तड़का मार के बहुत अच्छी वाली दाल बना दूँगी, एंड रोटी, तो डिनर सेट है आज का। ये दाल वाला मस्त वाला तड़का बन रहा है अभी, एकदम मोटी मोटी कटी हुई प्याज है ये, एंड इसमें मैंने लाल मिर्च और गरम मसाला डाल दिया है। ये रही वो दाल, दाल मखनी जो बची हुई थी ना वो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है मुझे कि वेस्ट नहीं करना है खाना, तो ये बची हुई थी अच्छी खासी दाल है, तो इसको अच्छा खासा ये तड़का लगा देंगे, एंड ये मस्त वाली दाल बन जाएगी ढाबे टाइप की। इसमें फ्रेश हरी मिर्च डालेंगे जो अभी जस्ट लाई थी मैं मुस्तफ़ा से, एंड इसको काट लिया मैंने धीरे धीरे, एंड कच्ची कच्ची प्याज रखूँगी मैं इसमें, और फिर इसमें अभी दाल डाल दूँगी। सो ये बनी ना एकदम ढाबे वाली दाल, कोई बोल सकते हैं ये पुरानी दाल से बनाएगी ये, एकदम मस्त वाला मक्खन का तड़का लगाया मैंने, फिर इसमें बटर डाला है, अभी क्रीम वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें सब कुछ है ऑलरेडी, अभी सिर्फ फ्रेश हरा धनिया डालूंगी गार्निशिंग में, और ये ऐसी थिक वाली ढाबे वाली दाल बन के तैयार है। देखिए एकदम मोटी मोटी प्याज है इसमें, मस्त यम्मी वाली है, इसको भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए आलू बीन्स की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, मुझे ऐसे स्लो कुक जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा सा जल जाते हैं, थोड़ा सा चार फ्लेवर आ जाता है ना उसमें चार्ड वाला, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी देखिए धीमी आंच पे पके हुए हैं, मैंने जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दैट्स इट।